नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचरा है और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे हसीन डॉक्टर के साथ जो आपको बताएंगे कि जो कोरोना वायरस का एक जो खौफ फैला हुआ है वो क्या है, क्यों, उसके असल हकायक क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, शांगला से आपका ताल्लुक है और पिछले 20 साल से आप कराची में मुकीम हैं, अलहदा रहते हैं, फैमिली आपकी दूर है, कौम और समाज की खिदमत करने के लिए आप यहाँ हैं। आप ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि डॉक्टर होने के अलावा एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत इंसान है जिसकी मिसाल आजकल के दौर में बहुत कम मिलती है। आइए आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही प्यारे डॉक्टर, डॉक्टर मसूद खान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह करम है, आप कैसे हो? अचानक जो चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है वो क्यों? आपको देखा, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, करीबी दोस्त हो, आपके साथ टाइम गुजारा है माशाल्लाह और बहुत अच्छा लगा आज आप आए हो यहाँ मिलने मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए चेहरे पे मुस्कुराहट आपकी भी है मेरी भी है। मेरी बात सुनिएगा, मैं इनसे कोई पर्सनल मुलाकात करने नहीं आया हूँ और ना ही इन्होंने मुझे बुलाया, हम आए हैं आपके लिए ताकि हम आपको बता सके जो इस खौफ की अलामत आपके ऊपर है असल हकीकत क्या है। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस हर गली मोहल्ले, घर, पान की दुकान हो, चाय की होटल हो, घर में बैठा हो, बेड पे आप बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कोरोना वायरस को जितना खतरनाक पेश किया जा रहा है, आया वो इतना खतरनाक है? देखिए, बात बेसिकली ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात है कि कोरोना वायरस की कोई बीमारी मौजूद ही नहीं है, यह ड्रामा है, लोगों को पागल बना रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बीमारी है, ये बीमारी मौजूद है, बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हुई है, लोग इससे मुतासिर हो रहे और ये बीमारी एग्जिस्ट करती है जो कि नोवेल कोरोना वायरस की वजह से ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। बात ये है कि जिस तरह से इससे लोग खौफ में आ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम जो है प्रोटेक्शन और जितने भी इक्विपमेंट है, जितने प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं, उन सबको एडॉप्ट करें तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसे लोग आजकल डरे हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जिनको ये फील होता है अपने घरों में बैठ के कि यार मेरी टांगों में दर्द है, मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरे जिस्म में कमज़ोरी हो रही है, फिर उनको ये फील होता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं है, लेकिन वो डर के मारे खौफ की अलामत में बाहर चेकअप करवाने भी नहीं जा रहे हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बात तो ये है कि कोरोना वायरस, अब लोगों के दिमाग में ये बात है मयूर भाई कि वो कहते हैं कि कोरोना वायरस हो गया तो मैं मर जाऊंगा, इस एक पॉइंट की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकलते। इन केस अगर आपको ऐसा फील होता है सो यू शुड गो आउटसाइड, आपको जाना चाहिए, आपको चेकअप कराना चाहिए। अगर इन केस अल्लाह ना करे आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है तो कोई बात नहीं है, आप आइसोलेट हो जाए, आप क्वारंटीन में जाए, इंशाल्लाह इस वायरस की जो ज़िंदगी है, लाइफ स्पेन है, वो इतने नहीं है, 10 से 14 15 दिन इसकी लाइफ स्पेन है, उसी में इस वायरस की इंशाल्लाह डेथ हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम उनको मारेगा और आप बिल्कुल यू विल गेट फाइन इंशाल्लाह। तो ऐसी कोई बात नहीं है जैसे लोगों में एक डर है कि बाहर ही नहीं जाना है भाई, डॉक्टर के पास ही नहीं जाना है, मैंने कोरोना का टेस्ट ही नहीं करना है क्योंकि मुझे कोरोना आ गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, बात बेसिकली ये है कि आपने अपना टेस्ट अगर करवाया, आपसे मुंसलिक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वाबिस्ता है। जैसा मैं लोगों को बताना चाहूँ कि एक बंदा घर में है, अब घर में बड़े उम्र के लोग भी है, छोटे बच्चे भी है, मुख्तलिफ किस्म के लोग है, किसी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का इम्यून सिस्टम वीक होगा, कोई ऑलरेडी किसी बीमारी से लड़ रहा होगा, उनका तो ख्याल करें ना फिर आप। आपको जाना चाहिए, यू शुड चेक यूर सेल्फ, आपको कोरोना का टेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन वो लोग जो खौफ ज़्यादा हैं, जिनको लगता है कि अगर मेरा कोरोना पॉजिटिव आया तो मुझे भाई जो है एम्बुलेंस में डाल के और सिक्योरिटी के साथ मुझे लेके जाएंगे, उसके बाद मुझे मेरे घर वालों से नहीं मिलने दिया जाएगा और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, तो इस खौफ में जो लोग मुबतला हैं उनको फिर कैसे टैकल करना? देखो, बात यह है मयूर भाई, मैंने बताया भी आपको कि लोगों में ये वो है कि भाई अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो खुदा ना ख्वास्ता मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आप अपना नहीं अपने घर वालों का सोचे, आपके साथ घर में बहुत सारे लोग है, जैसे बड़े उम्र के लोग भी है, छोटे बच्चे भी है, जिनमें से कुछ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियाँ है, जैसा एड्स है, टीबी है, शुगर है, सांस की बीमारी है, उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है ना। तो आप अपना नहीं अपने घर वालों का, अपने कम्युनिटी का सोचिए, अपना
जो है कोरोना टेस्ट करवाइए। इन केस अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता भी है तो कोई बात नहीं है, आपको जस्ट क्वारंटाइन किया जाएगा। अच्छा, अगर कोई अपने आप को घर में ही क्वारंटाइन करना चाहे, वो नहीं चाहता कि मैं बाहर जाऊं, मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊं, उसके पास घर में ये फैसिलिटी है कि खुद को क्वारंटाइन कर सकता है, तो वो कैसे करें? देखो, उसके लिए मयूर कोचरा भाई, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि उसका घर कैसा है। अगर घर बड़ा है उनका, घर में बाकायदा उनकी आइसोलेशन की जगह है, अलग जो है बाथरूम उनके लिए अवेलेबल है, इसी तरह उनको सारी चीज़ें मतलब प्रोवाइडेड है। जिस रूम में वो अपने आप को क्वारंटाइन करता है उसमें वॉशरूम, टॉयलेट, ये सारी फैसिलिटीज एग्जैक्टली वहाँ पर बेसन होना चाहिए, वहाँ पर उनका अलग बेड का जगह हो, उनके बैठने की जगह हो, और वहाँ पर वॉशरूम हो, हैंड सैनिटाइजर हो, फेस मास्क, उनके बस सब इक्विपमेंट, शॉर्ट इन शॉर्ट तमाम इक्विपमेंट होने चाहिए, तो वो अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर सकता है। आइसोलेट का मतलब क्या है भाई, आपको लोगों से अपने आप को बचाना है, एक फासला रखना है। चाहे आप घर में वो आइसोलेशन रखे या हॉस्पिटल में रखे, दोनों बातों का जो मकसद है वो टारगेट एक ही बात है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर घर में कोई अपने आप को आइसोलेट करता है, ठीक है, या घर में अपने आप को क्वारंटाइन कर देता है, तो अगर उसकी फैमिली उसको खाना वगैरह प्रोवाइड करती है या कोई भी चीज़ देती है या लेती है, तो फिर ये दोबारा फैमिली के लिए खतरा नहीं होगा? देखो, बात बेसिकली ये है कि इसमें जो कोरोना वायरस की प्रिकॉशंस है उसमें ये बात बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि उसमें काफ़ी डिस्टेंस होना चाहिए, 3 to 6 feet का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर फिर भी उनको खाना देना है, कोई चीज़ें देनी है, तो प्रॉपर किट, यू शुड यूज़ प्रॉपर किट फ्रॉम हेड टू टॉप। घर के अफराद की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर ग्लव्सिंग ग्लव्स होनी चाहिए उनको, फेस मास्क, हेड कवर, फुट कवर, किट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर जाके वो अगर इन केस कोरोना पॉजिटिव जो बंदा है, जो आइसोलेट हुआ है, उनको वो चीज़ें देना चाहे तो दे सकते। इसकी आपको मैं इस तरह समझा दूं, जैसे हम कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करते हैं, एज अ डॉक्टर हमें पता है कि ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, मगर फिर भी हम जाते हैं, उनकी वाइटल्स लेते हैं, उनका चेकअप करते हैं, उनका बीपी वगैरह लेते हैं, थर्मामीटर से चेक करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, उनको जो है गाइड करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, प्रॉपर किट यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको यू शुड यूज़ प्रॉपर किट, और बेहतर यही है कि आप तमाम प्रिकॉशंस की जितने भी तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर है, वो सब के सब आप यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि ये जानलेवा बीमारी है, इसका हल हरगिज़ ये बात आपने बात की, ये जानलेवा बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात मुझे याद दिलाई, ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसकी मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेशो 1 to 2% है। 98% जो लोग हैं, जी वो 98% लोग इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगे। आप अपने आप को घर में अगर क्वारंटाइन करते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है और कुछ भी नहीं करना। आपकी फैमिली वालों को आपसे फासला रखना है, और जो किट्स डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन केस अगर आपके घर में वो मौजूद नहीं है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बेसिकली आपको जो है वो मतलब अगर घर वाले आपको खाना देते हैं तो खाना छोड़ के चले जाएं, उनके जाने के बाद आप उसको उठाइए, और घर वाले खास करके उस वो अगर बर्तन को डेफिनेटली धोया जाएगा, यस, बॉइल वाटर से उसको बॉइल वाटर मल्टीपल टाइम उसको धोएं, और वो बर्तन ही आप अलग कर दें जिसे आप उसमें उन्हीं को ही खाना देते हैं। एग्जैक्टली गुड, आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। देखें, डरना नहीं है, कहते हैं मतलब एक फिल्म का ही डायलॉग है, जो डर गया सो मर गया। ये एग्जैक्टली डरेंगे तो डेफिनेटली किसी भी चीज से डर जाएं, अगर आप किसी भी चीज से डर गए ना, तो मौत तो लाहक है, वो तो है, लेकिन हमें इससे लड़ना है। मयूर भाई, इसमें बहुत सारे लोग जिनकी डेथ हुई है, उसमें एक ये मेजर जो पॉइंट है वो ये भी है कि लोग मेंटली तौर पर इसको इतने हैवी ले रहे कि भाई वो उससे ही शिकस्त खा चुके हैं। आपने इससे जो है ना डरना नहीं है, आपने ट्रस्ट करना है, प्रिकॉशंस लेनी है और लड़ना है। आपका इम्यून सिस्टम इंशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको इस बीमारी से बचा ले। कोई तो वजह होगी जो बार बार हमें टीवी पे दिखाया जाता है, डरना नहीं लड़ना है, इसका मतलब कि आप अपने आप को इससे बेहतर कर सकते हैं। और जो अगर आपको है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि खुदा रहा आप खौफ में ना जाएं, आप डरे ना, और आप सिर्फ हमारी सबकी दुआएं हैं कि आप सब बेहतर हो जाएं। आपने डरना नहीं है, आपने फाइट करनी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब मैंने बताया
कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, अगर ये डॉक्टर नहीं होते तो मैं समझता हूँ मॉडल जरूर होते। थैंक यू। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो आपकी अपनी कम्युनिटी है, जो पख्तून कम्युनिटी है, उसको कोई आप ऐसा मैसेज दें कि अगर उनको ये डर है तो वो जाए अपना टेस्ट करवाने, अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे। और एक मुझे आपसे शिकायत है, स्पेशली आपकी कम्युनिटी से, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो रात को क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इधर तो डरना भी चीज खत्म ही कर दी आपने, लेकिन एहतियात जरूरी है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को प्लीज आप कोई मैसेज दें ताकि वो, क्योंकि खेल के जब वो घर पे जाते हैं, वालदैन बूढ़े हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए तो खतरा बन सकता है। बेशक, प्लीज आपके मैसेज से पहले मैं तमाम लोगों को एक और मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि खुदारा ज़्यादा हुजूम वाली क्राउडेड जगह में मत जाइएगा। प्लीज़, मैं क्लिनिक करता हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को, यकीन कीजिएगा, पहले दिन से ये बताता हूँ जब से ये कोरोना वबा आई है कि भाई खुदा के लिए ये छोटे मोटे मसलों के लिए क्लिनिक में ना आए, हॉस्पिटल में ना आए। एक, आपको पता नहीं है कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कितने लोगों को ये बीमारी है, एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। और जो आपने क्रिकेट वाली बात की है और ये सब बातें की है, ये भी बहुत अच्छी बात आपने की है कि इसको भी फॉलो करना चाहिए। हमें चाहिए क्रिकेट को हम एक दो महीने के लिए भूल जाए, रश को हम भूल जाए, गैदरिंग को हम भूल जाए, जान है तो जहान। बिल्कुल, बाद में टाइम मिलेगा हमें इन सब चीज़ों के लिए, पहले हमने कोरोना को तो शिकस्त दे दी, इसके बाद हम क्रिकेट भी खेलेंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो मेरे अपने पख्तून भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो तदा गुजारिश कहूँ छे द खुदे द पारा द बीमारी चिकम द बीमारी वाकई मौजूद द नो दास सोच मक वही जी बीमारी निश्त दे अमंग तदा बीमारी निकीगी। बिल्कुल बीमारी इश्त दे जमुन सरोस दल तक अस्पताल के शल देश तना दाखिल दी द करोना पॉजिटिव मरीजान नो खुदा खुदा द पारा द ता सोच दे प्रिकॉशंस एहतियाती तदाबीर वाख ली यो बल ना लग फासिले की उधरी गई यो बल सरा गड़े बड़े सलामुना द मकवई लगो नहीं उमियाश द्वमियाश तो लपारा दा दगाऊ गई लग नाकाम हो गई और ज़्यादा गणु तमजई माशुमान अखपल द खुदाई द पारा पुआ गई चिमा हम द शपे पर गलो की क्रिकेट न कई रश न जोड़ई हुजूम न जोड़ई द बीमारी चिकम दा ददी दवजना ददी माशुमान दवजना स्तासु कोर की चिकम मशरान दी बुढ़ागान दी अगो तबर दिन बे तकलीफ रसी नो जमा खबरों बंदे खपन शे पदी द अमल का बोलो कोशिश हो कहे जी। मुझे आखिरी में सिर्फ इतना समझ में आया कि अमल क्या है सब। एक सवाल मेरे जहन में आ गया अचानक, मुझे पूछना बड़ा ज़रूरी है। मास्क की आपने देखा कि बार मारा मारी है, मिल नहीं रहे हैं, हम भी परेशान हैं, आप इतना सिर्फ बताइए कि जिन हॉस्पिटल्स में आप आते जाते हैं, ये जो दूसरे हमारे डॉक्टर हैं वो आते जाते हैं, हमने सुना है कि प्रॉपर किट्स अवेलेबल नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है या अफवाहें? आपने बहुत अच्छी बात की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि डॉक्टर्स आर दी फर्स्ट लाइन वॉरियर्स इस जंग में, मगर आप अगर एक जंग एक फौजी को बॉर्डर पे भेज रहे हो और उनको आप जो है वो गन ही ना दो, तो वही वाली बात है। देखो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, हमें बिल्कुल भी PPE नहीं मिला, इवन हमें मास्क नहीं मिले, हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने इसके लिए स्ट्रगल्स किए, हमने आवाज़ उठाई है इसके लिए, बहुत जो है इसके लिए कोशिशें की है, तब जाके गवर्नमेंट ने हमें कुछ PPEs दिए, वो भी इनकम्प्लीट, कहीं पर अवेलेबल तो कहीं पर नहीं। आप खुद जानते हैं कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने डॉक्टर पॉजिटिव आए, मेरे खुद उनमें काफ़ी दोस्त, मेरे सीनियर, मेरे टीचर्स काफ़ी उनमें पॉजिटिव आए हैं जो अभी क्वारंटाइन में है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ PPE उनको नहीं मिला, प्रॉपर किट्स नहीं मिले उनको। तो ये तो हक है डॉक्टर का कि वो अपने लिए अपना जो है वो हिफाजती किट मांग रहा है। मैं जाते जाते सिंध हुकूमत से स्पेशली तौर पर ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि हम बिल्कुल हर मोड़ पे कहते हैं कि डॉक्टर हमारे फर्स्ट लाइन ऑफिसर हैं, हमारे फाइटर हैं, लेकिन वही बात, इनके लिए इनकी किट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिंध के आला अहदेदारों से कि तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और जो किट्स हैं वो पहली फुर्सत में पहुंचाई जाएं, ताकि एटलीस्ट हमारे जो डॉक्टर हैं वो तो इससे अफेक्टेड ना हो। अगर दवा देने वाला ही अगर बीमार हो गया तो दवा कौन देगा? बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जरिए उस रब ने बनाए हैं, तो एक जरिया हमारे डॉक्टर भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ अपील करता हूँ कि तमाम डॉक्टर्स की प्लीज़ सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उनको प्रॉपर किट्स दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए। हम और आप मिलकर लड़ तो रहे हैं, लेकिन लड़ने के लिए हाथ में औजार होना भी जरूरी है। इस वक्त औजार कोई बड़ी मशीन नहीं है, कोई गन नहीं है, इस वक्त जो औजार हैं वो दस्ताने हैं, आपके मास्क हैं, हैंड सैनिटाइजर हैं।
तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत के आला अहदेदारों से कि प्लीज 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 डॉक्टर्स का ख्याल रखा जाए और इस सिचुएशन के खत्म होने के बाद इस वतन अजीज के एक एक डॉक्टर को जो है हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि अपनी जान पे खेल के हमारे लिए खिदमत करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई विश कि मैं गले लगा के हाथ मिला सकता लेकिन ये इस वक्त इजाजत नहीं है, इंतजार करना पड़ा, दिल मिला रहे हैं यहाँ से और इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होती रहेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपके सामने शेयर की। अपना बेनता बेताशा ख्याल रखिएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि मेरे मौला कायनात हर एक मर्ज को उस बीमारी से बचा के रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हामी और नासिर है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।